जंगल में नीम के पेड़ के पास एक गिद्ध रहा करता था। वहीं उस पेड़ के नीचे एक चूहा रहा करता था। उस चूहे का एक दोस्त मोंटी बंदर हर रोज उससे मिलने आया करता था। चूहे और मोंटी बंदर की दोस्ती बहुत पक्की थी, लेकिन ऊपर पेड़ पर बैठा हुआ बड़ा गिद्ध उनकी दोस्ती से बहुत जलन करता था। आज तो इन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। ये मोंटी बंदर जब देखो यहाँ आ जाता है, हाँ, जब देखो शोर मचाते हैं दोनों के दोनों और मेरी नींद खराब करते हैं। दूसरी तरफ मोंटी बंदर और चूहा मजे से खेल रहे थे। और मेरे दोस्त कैसे हो? मैं आ गया तुमसे मिलने, देखो। अरे मोंटी, तुम तो आज बहुत अच्छे और फ्रेश लग रहे हो। क्यों ना हो, आज मैं नहा कर आया हूँ, देखो कैसे चमक रहा हूँ। अरे वाह। दोनों दोस्त मस्ती करने लगते हैं। दोनों की बातें बड़ा गिद्ध सुन लेता है। बड़ा गिद्ध एक बड़ा सा मिट्टी का गोला लेकर आता है और बंदर के ऊपर फेंक देता है। बंदर पूरा गंदा हो जाता है। ये क्या, मैं तो सारा गंदा हो गया, अब तो मेरी मम्मा बहुत गुस्सा हो जाएगी, आज ही तो नहाया था। अरे गिद्ध, ये तुमने क्या किया? अरे गिद्ध, ये तुमने क्या किया, मेरे दोस्त को इतना गंदा कर दिया। तुम हमेशा जब भी हम खेलते हैं आ जाते हो और हमें परेशान करते हो, ये तुम्हारी बात हमें बिल्कुल पसंद नहीं। तीनों में झगड़ा होने लगता है। गिद्ध पर इस बात का कोई असर नहीं होता और वो हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है। अचानक से गिद्ध एक पेड़ से टकराता है और घायल होकर नीचे गिर जाता है। ये क्या, मुझे बहुत चोट आई है, कोई मेरी मदद करो, मदद मदद। गिद्ध जोर जोर से मदद के लिए पुकारने लगता है। चूहा और मोंटी बंदर एक दूसरे को देखते हैं, फिर मोंटी बंदर चूहे से कहता है, अरे कोई बात नहीं, चलो इसकी मदद करते हैं। हो चलो चलो। दोनों मिलकर गिद्ध की बहुत सेवा करते हैं, उसकी मरहम पट्टी करते हैं, उसे पानी पिलाते हैं और उसका बहुत ख्याल रखते हैं। कुछ देर बाद जब गिद्ध को होश आता है तो वो अपनी बातों पर सोच सोच कर बहुत पछताता है और दोनों से माफी मांगता है। शुक्रिया दोस्तों, तुमने मेरा इतना ख्याल रखा, मैं तो तुम दोनों की दोस्ती से बहुत जलता था, मेरा कोई दोस्त नहीं है ना। अरे ये बात है, तो लो आज से हम दोनों तुमसे दोस्ती कर लेते हैं। तीनों मिलकर दोस्ती कर लेते हैं और फिर बड़े प्यार से उसी पेड़ के पास रहने लगते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही थी। यशोदा रोज अपने आंगन में पक्षियों के लिए पानी और अनाज रखा करती थी। हर रोज वहाँ पर 5 कबूतर आया करते थे। वो 5 भाई थे, 5 पानी पीते और अनाज खाते और अपने घर वापस लौट जाते। यह देखकर यशोदा का मन बहुत प्रसन्न होता था। आ गए मेरे 5 के 5 कबूतर, हाँ हाँ, पानी पियो, अनाज खाओ। यशोदा उन्हें पानी पिलाकर और खाना खिलाकर बहुत प्रसन्न होती और फिर खुद भी खाना खाकर आराम करने बैठ जाती। 5 कबूतरों में से एक कबूतर बहुत चालाक था, जो सबसे बड़ा था। वो बाकी भाइयों को कहता था, अरे अरे कितना खाए जा रहे हो, मैं सबसे बड़ा हूँ, पहले मुझे खाने दो। बड़ा कबूतर सारे अनाज अकेले ही खा जाता था और बाकी कबूतरों के लिए थोड़े से दाने छोड़ दिया करता था। चारों कबूतर बहुत सीधे और भोले थे, वो अपने बड़े कबूतर की बात मानते थे। धीरे धीरे बड़ा कबूतर मोटा, बहुत मोटा होता चला गया। उसका मोटापा इतना बढ़ गया कि अब वो ढंग से उड़ भी नहीं पा रहा था, लेकिन खाने से वो बाज ही नहीं आता था। चारों कबूतर यह बात देखकर हैरान थे। चारों ने एक दिन चर्चा की, बड़े भैया इतने मोटे होते जा रहे हैं, 4 दाने देते हैं खाने के लिए, यशोदा तो पेट भर कर खिलाना चाहती है, मगर हमारा भाई वो कुछ छोड़ता ही नहीं। सही कहते हो, देखो जरा कितना मोटा हो गया है, लेकिन इसे हम पर दया नहीं आती, हम तो दिन प्रतिदिन कमजोर हो रहे हैं। चारों बहुत चर्चा करते हैं लेकिन किसी भी नतीजे पर नहीं आते। एक दिन फिर से चारों अनाज खाने के लिए यशोदा के आंगन में जाते हैं।
तभी यशोदा की नजर बड़े मोटे कबूतर पर जाती है। हाँ, कितनी देर से ये बड़ा कबूतर ही खाए जा रहा है, और अचानक ये इतना मोटा कैसे होता गया, और बाकी के चारों इतने कमजोर। जरूर दाल में कुछ काला है। दो तीन दिन तक लगातार यशोदा देखती है कि बड़ा कबूतर सारे अनाज खा लेता है और थोड़े से अनाज चारों के चारों भाइयों के लिए छोड़ देता है, जिससे उन चारों का पेट नहीं भरता और वो चारों कमजोर होते जा रहे हैं। तो ये बात है। हाँ, अब मजा चखाती हूँ। यशोदा पूरी बात समझ जाती है। एक दिन जब बड़ा कबूतर अनाज खाने में मस्त था, यशोदा उसे अपने हाथों में पकड़कर एक पिंजरे में डाल देती है। बाकी के चार कबूतर डर जाते हैं, पर वो कहती है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम अनाज खाओ, ये सजा सिर्फ तुम्हारे बड़े भाई के लिए है। बड़ा कबूतर हैरान रह जाता है और पूछता है, क्यों, ऐसा क्यों भाई? मैं सब जानती हूँ, सारे के सारे अनाज तुम खुद खा जाते हो और अपने चारों भाइयों को इतना कमजोर कर दिया है। अब जब तक ये मोटे तगड़े नहीं हो जाते और तुम पतले नहीं हो जाते, तुम इस पिंजरे में ही रहोगे। कई दिनों तक यशोदा उसे पिंजरे में ही दाना खिलाती है और चारों कबूतरों को जी भर के अनाज खाने को देती है। कुछ ही दिन में बड़े कबूतर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और यशोदा उसे खुला छोड़ देती है। मिनी रंगीन चिकन वाला। ये कहानी है एक चालाक चिकन वाले की। शोलापुर नाम का एक गांव में शांतनु करके एक सेठ था। उसका एक मुर्गी का बड़ा सा फार्म था। आसपास के गांवों को और शहरों को भी वह सप्लाई करता था। उसके पास सूरज करके एक आदमी काम करता था और सब कुछ संभालता था। एक दिन सूरज शांतनु के पास आया। सेठ जी, एक खुशखबरी है, मेरी शादी पक्की हो गई है। मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। मेरा जो बचाया हुआ पैसा है 5 लाख, वो भी चाहिए। क्या शादी? पागल तो नहीं हुए? अरे शादी के लिए 10 दिन की छुट्टी चाहिए? 1 दिन ले ले, बस मंगलसूत्र पहना कर आ जाना। और तुम्हारा किधर का 5 लाख है रे? दिमाग ठिकाने पे है कि नहीं? ऐसा मत बोलो सेठ जी, वो सब मेरे कमाए हुए पैसे हैं। कोई छुट्टी और पैसा नहीं मिलेगा, शादी करेगा तो बर्बाद हो जाएगा। चुपचाप काम करना यहाँ, नहीं तो तनख्वा भी नहीं मिलेगी। अच्छा सुन, कल मेरे एक बड़ा सा क्लाइंट आ रहा है, 10,000 मुर्गियाँ खरीद रहा है, संभाल के मुर्गियाँ देना। सेठ ऐसा बोलकर वहाँ से चला जाता है। सूरज निराश होकर अपने दोस्तों के साथ दारू पीने के लिए चला जाता है। सूरज सेठ जी की सारी बात उसके दोस्तों को बोलता है। फिर उसका दोस्त ने ऐसा बोला, सूरज मुझे मालूम है कि शांतनु सेठ ऐसा क्यों कर रहा है। उसको शादी से बिल्कुल नफरत है रे, क्योंकि उसकी बीवी उसको हर रोज बहुत बुरी तरह पीटती है। ये एक नंबर का बेकार आदमी है। ऐसा क्या? फिर तो उसको मजा चकाना ही पड़ेगा। एक काम करता हूँ, सेठ ने बोला कि कल 10,000 मुर्गियाँ खरीदने के लिए कोई आ रहा है, मैं सब मुर्गियों को रंग डालकर कहीं छुपा देता हूँ, तब आएगा मजा। ऐसा ही सूरज अगले दिन सारी मुर्गियों को रंग डालकर बगल के झोपड़ी में छुपा देता है। थोड़ी देर के बाद शांतनु उस आदमी के साथ आया जो मुर्गियाँ खरीदने वाला था। शांतनु ये देखकर चौंक जाता है कि उसके फार्म में एक भी मुर्गी नहीं थी। अरे ये क्या रे सूरज, मेरे सारे मुर्गियाँ कहाँ हैं? पार्टी भी खरीदने के लिए आ गई है, ऊपर से मैंने उनके पास एडवांस भी लिया हुआ है। मुझे कुछ नहीं मालूम सेठ जी, लगता है सारी मुर्गियाँ उड़ गई हैं। चलो ढूंढते हैं। ये सारी बात सुनकर शहर से आया हुआ आदमी शांतनु को बुरी तरह से पीट कर पूरा पैसा लौटाने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। क्यों सेठ जी, अब आया दिमाग ठिकाने पे? वहाँ पर देखिए आपके मुर्गियाँ, रंग बिरंगी मुर्गियाँ, मैंने ही उनको छुपाया है। अब तो मेरे पैसे मुझे वापस कर दो। अरे यार सबक मिल गई मुझे, ये लो तुम्हारे पैसे, और हाँ शादी करके वापस आ जाना, फिर ऐसा कभी नहीं करूँगा। मगरमच्छ का अंडा। जंगल के बड़े तालाब के अंदर बहुत सारे मगरमच्छ रहते थे। उनमें एक मादा मगरमच्छ थी
जिसने अपने अंडे पास के पेड़ के अंदर छुपा कर रखे हुए थे। एक दिन एक शिकारी की नजर उन अंडों पर पड़ जाती है। अरे, ये तो मगरमच्छ के अंडे हैं। अगर इन्हें मैं शहर ले जाऊं तो बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। कई लोग मगरमच्छ के अंडे देखना चाहते हैं। किसी ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां पर लोग इसका अच्छा दाम दे सकें। शिकारी जोर जोर से खुद से ही बातें कर रहा था और उसकी ये बात मगरमच्छ सुन लेती है। अरे, ये मेरे अंडों को लेकर जा रहा है, अब मैं किससे मदद मांगूं? मगरमच्छ छटपटाने लगती है और वो धीरे धीरे पानी से बाहर आने लगती है ताकि वो अंडों को बचा सके। लेकिन उससे पहले ही शिकारी बड़ी तेजी से अंडों को उठाकर भागने लगता है। तभी पेड़ के ऊपर बैठा बंदर मगरमच्छ से कहता है, अरे अरे, तुम बाहर कैसे आ गए और इतनी परेशानी में लग रही हो? बात क्या है, मुझे बताओ। वो मेरे अंडों को ले गया। मैं इतनी तेज नहीं दौड़ सकती हूँ बंदर भाई। जाओ जाओ, मेरे अंडों को बचाओ। क्या कहा, मेरे होते हुए तुम्हारे अंडे कोई और ले गया? मैं तो हर रोज निगरानी करता हूँ, बस अभी आंख लग गई थी। तुम फिक्र मत करो, पानी में जाओ। तुम्हारा इस तरह बाहर रहना ठीक नहीं। परेशान होने की जरा भी जरूरत नहीं। मैं अभी जाता हूँ और लेकर आता हूँ तुम्हारे अंडे। बस बस, बातें मत करो, जल्दी जाओ। हाँ हाँ, जाता हूँ जाता हूँ। बंदर झटपट एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ छलांग लगाता है और सीधा शिकारी की जीप में जाकर बैठ जाता है। जैसे ही शिकारी उसमें अंडे रखता है, धीरे धीरे बंदर सभी अंडे बाहर निकाल लेता है। शिकारी शहर की तरफ चला जाता है और बंदर अंडे लेकर मगरमच्छ के पास आ जाता है। ये लो दोस्त, कहा था ना तुम्हारे अंडे वापस लेकर आऊंगा। अब मजे से रहो। अब तो कुछ ही दिनों की बात है, अंडे बिल्कुल सुरक्षित हैं। बिल्कुल ध्यान से रखूंगा, अपना ख्याल रखो तुम। अंडों की चिंता तो छोड़ दो। अभी दोनों बात ही कर रहे थे कि अंडों से चटकने की आवाज आती है। मेरे बच्चे बाहर आ रहे हैं। बंदर, जल्दी से नीचे रखो अंडों को। बंदर अंडे नीचे रखता है और दोनों अंडों से मगरमच्छ के बच्चे बाहर आ जाते हैं। सभी अब बहुत खुश थे। बंदर भाई, तुमने मेरी बहुत मदद की, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे, शुक्रिया की क्या बात है, देखो मैं मामा बन गया, बंदर मामा।